कहते हैं कि मरियम बीबी को माहवारी आई जो खवातीन को आती है, और उसके नहाने के लिए वो एक तरफ होके गुसल फरमाया। कहते हैं कि खातून का गुसल जो है ना वो आंख के जपक में होता है ताकि किसी को पता ना चले, इतने बाहया सिंफ है। मर्द का वजू और खातून का गुसल और घोड़े की टाप एक जैसे है बिल्कुल। सुभान अल्लाह, तालिबे इल्म वजूखाने में बैठा रहता है, आसमान तगूरी बकी तगूरी नीमुदारशी बेजारा रवाज, कितने अफसोस की बात। नींद से उठे, बिस्तर छोड़ा, कमरे से नीचे उतरा, वजूखाने में बैठा हुआ है। अब ये बड़ा मुश्किल ड्यूटी है ना कि नाजिम साहब और उनके लोग डंडे लेके वहां भी पहुंचे। नहीं, आप खुद एहसास करें तो हमें आसानी होगी। वजू कर ले, फौरन वहां से उठे और मस्जिद में आके जो सुन्नत है वो पढ़ ले, जमात का इंतजार करने लगे, जो सुन्नत तरीका है। अल्लाह अकबर, पुख्ता न वही वही चार दाम पर तलवार है और मुझ पर कलार है। वजू चटक करो बिल्कुल आंख के शोले की तरह। वजू में देर लगाना वसवसा पैदा करता है और वसवसा खन्नास का उकसावा है और उससे अकीदे और ईमान को नुकसान पहुंच सकता है अगर वक्त पर इलाज ना हुआ।